नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक बथौरिया। सीधे आपको ले चलते हैं राजस्थान के चुरू, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे हैं। और लूट के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। दुनिया में भारत की साख गिरती जा रही थी। आजादी के इतने दशक बाद भी देश के लोग जीवन की छोटी छोटी जरूरतों के लिए जूझ रहे थे। करोड़ों गरीबों के सर पर छत नहीं थी। करोड़ों लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं था। हमारे गांव अंधेरे में डूबे थे। वहां बिजली भी नहीं पहुंची थी और लाखों करोड़ की लूट से सरकारी खजाना खाली ही रहता था। आप लोगों ने भी सोचा होगा लिया, जब हालत इतनी खराब थे, इतने दशकों तक बुराइयां थी, तो इसका मन पर भी असर होता है। और आप सब देशवासियों ने मान लिया था कुछ बदल नहीं सकता, अब देश का कुछ हो ही नहीं सकता। हर कोई निराशा में डूबा हुआ था। इसी हताशा निराशा में 2014 में आपने गरीब के इस बेटे को अपनी सेवा का मौका दिया। हताशा निराशा ये मोदी के पास भी नहीं फटक सकती। और मैंने तय किया कि हालात बदलने ही होंगे, और मेरे लिए तो मेरा भारत मेरा परिवार है। हमने ईमानदारी से काम किया। कोरोना जैसा इतना बड़ा संकट आया, दुनिया सोचने लगी थी कि भारत तो बर्बाद हो जाएगा, दुनिया को भी बर्बाद कर देगा। लेकिन इसी संकट में हम भारतीयों ने अपने देश को दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। हम भी कह सकते थे भाई क्या करूं, पूरी दुनिया में आपदा आई है, हमारे यहां भी आपदा आई है, मैं क्या करूं। और हो सकता है देश वाले मान भी लेते, लेकिन मोदी ने वो रास्ता नहीं चुना। चुनौतियों को चुनौती देना, यही तो हमारी मिट्टी की ताकत होती है। और हमारे राजस्थान में तो कहते हैं अपनी करनी पार उतरनी। हमने परिश्रम किया और परिणाम लाकर के दिखा दिया। 10 वर्षों में हमने करोड़ों गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के आवास दिए, पक्के घर दिए, जिनकी तीन तीन चार चार पीढ़ी झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारती थी, जो फुटपाथ पर जीने के लिए मजबूर थे, ऐसे करोड़ों लोगों को
पक्के घर दिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमने जो पक्के घर दिए ना, उसमें अधिकतर पक्के घर मेरी माताओं बहनों बेटियों के नाम पर है। वरना हम तो जानते हैं हमारी समाज रचना ऐसी रही है कि घर होगा तो पुरुष के नाम पर, गाड़ी होगी पुरुष के नाम पर, खेत होगा पुरुष के नाम पर, दुकान होगी पुरुष के नाम पर, सब कुछ पुरुष के नाम पर। मोदी ने तय कर लिया कि सरकार जो घर देगी वो मेरी महिलाओं के नाम पर होगा। आप याद करिए, पहले जब घर बनाने के नाम पर योजनाएं आती थी तब क्या होता था? गरीब को पता भी नहीं चलता था उसके नाम का पैसा सरकार में बैठे लोग और उनकी पार्टी के लोग खा जाते थे। लेकिन अब पैसा सीधे गरीब के खाते में जा रहा है। अब गरीब को पक्का घर भी मिल रहा है, घर में जरूरत की सुविधाएं भी मिल रही है। साथियों, आज जब हम जल जीवन मिशन योजना लेकर घर घर में पानी का कनेक्शन भी देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, राजस्थान में करीब 50 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचाने का कनेक्शन दिया जा चुका है। कांग्रेस सरकार हमारी इस योजना में भी भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं छोड़ती थी। अब उन कमियों को भी दूर किया जा रहा है। वहां पीछे सुनाई नहीं देता क्या? सुनाई दे रहा है? अच्छा, ये तो आपका उत्साह है इसलिए। देखिए, राजस्थान के 4.5 करोड़ जरूरतमंदों को हर महीने मुफ्त राशन भी दिया जा रहा है। यानी जीवन के हर पड़ाव पर भाजपा सरकार गरीब के साथ खड़ी है। जो काम इतने दशक में नहीं हुए वो हमने 10 साल में करके दिखाए। और इसलिए मैं कहता हूं, जब नीयत सही तो नतीजे सही। और साथियों, 10 साल में जो हुआ, लोग तो कहते हैं बहुत कुछ हुआ, पहले की सरकारों की तुलना में बहुत कुछ हुआ। आप भी कहते हैं, अरे मोदी जी तो